हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 19 दिसंबर 2023 और 19 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक नाव जो है बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, केरल में। ऑप्शन बी राइट होगा, केरल में। केरल में भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च होगी। अब मैप की बात है केरल, तो ये है मैप में केरल, ये है मैप में केरल। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। अब बात है केरल की, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि केरल में पारुमला पेरुंचल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मावन को नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोड़िकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, रिजुल मैनी। ये है रिजुल मैनी, जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। अब मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वेलरी कोहली भी बनी है, ठीक है ना। मिस इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना भी बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिनी सिट्टी ने जीता था। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेट की जर्सी को रिटायर्ड करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, MS धोनी, ठीक है ना। MS धोनी जी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है BCCI ने। अब बात है BCCI का, तो BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, यानी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर में की बात करें तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेसिडेंट की बात करें तो रोजर बेन्नी इसके प्रेसिडेंट है। और सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह BCCI के सेक्रेटरी हैं। अब बात है BCCI की, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। BCCI ने मोहम्मद समी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा वोल्टवर्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता था। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक के साथ? सी ऑप्शन राइट होगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और चेयरपर्सन की बात करें तो दिनेश कुमार खरा जी हैं इसके चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आद्रे बुघेर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आद्रे बुघेर बी ऑप्शन राइट होगा, ये हैं आद्रे बुघेर जो कि एक अमेरिका अभिनेता थे। इनका
जन्म की बात करें तो 1 जुलाई 1965 को हुआ था इनका जन्म, और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म शिकागो US में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण ए ऑप्शन राइट होगा लद्दाख में किया गया है। ठीक है ना, तो लद्दाख की बात है तो लद्दाख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? लद्दाख के सी बक्थान फल को GI टैग मिला है। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की है, ठीक है ना, और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, मालदीप। ये है मैप में मालदीप। मालदीप की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मैजू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब बात है मालदीप की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने मालदीप में 75 भारतीय सैनिक को वापस बुलाने का फैसला किया है, ठीक है ना। रिलायंस जियो ने मालदीप को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीप में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NS बैठक भी मालदीप में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल यानी बी ऑप्शन राइट होगा, अंतिम पंघाल को यूनाइटेड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली अबू अफ्फाह, डेनियल बरेन बुहिम या उपयुक्त दोनों? तो सी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त दोनों ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है, ठीक है ना, जो प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण और बढ़ावा देने के लिए असाधारण योगदान दिया है। इसकी स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB ने 6.7% यानी बी ऑप्शन रहने ऑप्शन राइट होगा 6.7% ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है 6.7%। अब ADB की बात है तो ADB की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बोले तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मत्सुगु असाकावा जी इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे ने, ठीक है ना, तो पुणे ने सी ऑप्शन राइट होगी, पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश सी ऑप्शन राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश को पवन कुमार सेन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा, ठीक है ना। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि वार्षिक सार अमरतला तोरग्रह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह त्यौहार, ठीक है ना। महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को भी जीआई टैग मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बॉय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरे होने के करीब है, ठीक है ना। भारतीय सेना ने और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिलों में बेली ब्रिज का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, नई दिल्ली में हुआ है। ये है मैप में नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सियस स्नेगु का निधन हुआ है, तो कहाँ के थे, मालडोवा, बी ऑप्शन राइट होगा। ये है मैप में मालडोवा। मालडोवा की कैपिटल क्या है, चिसिनाउ, चिसिनाउ इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, मोल्डोवन लियो इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मिहाई घिम्पू इसके प्रेसिडेंट है। और पीएम की बात करें तो व्लाद फियात इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। अब बात है तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद है इसकी कैपिटल। सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर की बात करें तो तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ, हमारे आप इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।